हम्मा गाड़ी मित्रों पधारो मारे सा। अभी जैसलमेर में हूँ, विष्णु वेजिटेबल सूप सेंटर। तो ठंडी है, गला भी खराब है, टेस्टी टमाटर सूप, स्वीट कॉर्न सूप और मिक्स वेज सूप है। टमाटर सूप, ये टमाटर सूप, उसके ऊपर ये क्रीम और ये ब्रेड क्रम्स। और आपका नाम विष्णु? सुरेश जी। सुरेश जी और उनका एग्जैक्टली ये सामने जो जैसलमेर फोर्ट है वहाँ ही थोड़ा आगे आके आपको मिल जाएगा, बहुत ही फेमस है विष्णु सूप। कौन से सूप मिलते हैं भैया? टमाटो है, वेजिटेबल है, स्वीट कॉर्न है। कम से कम 12-13 साल होते। 12-13 साल। और हर साल मतलब पूरे साल रहती है या ठंडी में ही रहता है? नहीं, सर्दी सर्दी में रहती है। सिर्फ सर्दियों में ही रहता है, गर्मी में आओ तो नहीं मिलेगी? गर्मी में नहीं, नहीं मिलेगा। और टाइमिंग? ये 4 बजे से 10:30 बजे तक। 4 से 10:30 बजे। तो अगर आपको विष्णु जी के वहाँ सूप पीना है तो आपको सर्दियों में आना पड़ेगा। हमारे जो यहाँ पे जो ज़्यादातर लोकल लोग ओनली फॉर टमाटो ज़्यादा पसंद करते हैं। टमाटो ज़्यादा पसंद करते हैं। जो बाहर के लोग जो घूमने वाला टूरिस्ट वगैरह वाला ना, वो स्वीट कॉर्न वेजिटेबल वो ज़्यादा वो पसंद करते हैं। तो ये होममेड आपका मतलब घर में बनता है? घर पे बनता है, घर पे बनता है। पैकेट वाला यूज़ नहीं करते? पैकेज वाला यूज़ नहीं करते, घर पे बनाते। चाइनीज़ वाला नहीं है, होममेड है। तो टेस्ट करते हैं और ये सर्दी को थोड़ा सा अलविदा कहते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग और खान पीन बहुत बाकी है, क्योंकि आप तक पहुंचाना है। तो सूप पीते हैं, टमाटो सूप लगा दीजिए। टमाटो सूप, ये वेजिटेबल्स, ये गार्लिक पेस्ट, ये ग्रीन चिली, ये पनीर। क्या बात है, टमाटो सूप में पनीर भी आ रहा है, थोड़ा सा नमक, चाट मसाला, गरम मसाला, ये नींबू और ये गर्मा गर्म टमाटो सूप। ऊपर से ये ब्रेड क्रम्स, ये क्रीम। तो बन गया हमारा टोमेटो सूप, ऊपर से ये ब्रेड क्रम्स है। दिख तो बहुत अच्छा रहा है, जैसे ही मैं उन्होंने बर्तन खोला ना तो उनकी गर्माहट से ही उससे थोड़ी थोड़ी ठंडी तो दूर होने लगी। तो भगाते हैं ठंडी को और गले को थोड़ा सा टोमेटो सूप में मिक्स कर लेता हूँ। ब्रेड क्रम्स, नींबू, गार्लिक, क्रीम। बहुत ही क्रीमी है, ब्रेड क्रम्स के साथ थोड़ा सा। ब्रेड क्रम्स का जो क्रंचीनेस है ना टमाटो सूप को बहुत ही अच्छा बैलेंस कर दिया। और सूप की क्वालिटी वाकई बहुत अच्छी है और ये वाकई होममेड है, पता चल रहा है। सीधा गला जो है पूरे गले में गर्माहट गर्माहट, और जो चिली है रेड चिली और जो ग्रीन चटनी डाली थी और ब्लैक पेपर डाला था, उससे वाकई सर्दी खुल गई है। और यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग आते हैं। अभी तो मैं थोड़ा सा जल्दी आ चुका हूँ लेकिन बहुत भीड़ होती है। लुक एट दिस, गर्मा गर्म सूप, स्वीट कॉर्न सूप आप देख सकते हो। ऊपर से स्वीट कॉर्न है, क्रीम है और वेजिटेबल सूप। जो वेजिटेबल सूप है उसमें स्वीट कॉर्न और एडिशनल ब्रेड क्रम्स वगैरह डाल दिया है। वेरी डिफरेंट, टमाटो सूप से वेजिटेबल सूप बहुत ही डिफरेंट है और थोड़ा सा आपको प्लेन फील देगा। मतलब बोलते ना सादा वाला हेल्दी वाला वेजिटेबल सूप, प्लेन वाला, और आपको थोड़ा टेस्टी टैंगी फील चाहिए तो टमाटो आप ले सकते हो। तो आइए देखिए, खाइए और विष्णु जी का सूप पीजिए और सब्सक्राइब करते जाइए। बहुत अच्छा। तो सूप पीने के बाद गर्मा गर्म, या अभी फ़िलहाल जैसलमेर फोर्ट के नीचे ही यहाँ पे फेमस मोमोज मिलते हैं, जय जगन्नाथ मोमो। और ये देखिए गर्मा गर्म, सर गर्मा गर्म मोमोज। तो काफ़ी फेमस है यहाँ पे मोमोज। तो ये जैसलमेर फूड टूर में अगर आप सूप पी के थोड़ा ही आगे आते हो तो जय जगन्नाथ मोमोज। और ये पूरा जो एरिया है यहाँ से आप फोर्ट की तरफ जा सकते हो। तो
अभी फिलहाल 6:15 बजने आए हो और भीड़ शुरू हो चुकी है, तो कम भीड़ होती है तो अच्छे से शूट कर पाते हैं, फिर ज़्यादा भीड़ में खाने की जगह नहीं मिलती, तो लेट्स स्टार्ट द मोमोज। दाल तो फिलहाल मैंने हाफ मोमोज मंगवा लिए, हाफ मोमोज 30 रुपीज़ और 4 पीस है, काफ़ी बड़ी साइज़ दिख रही है, द साइज़ ऑफ मोमोज काफ़ी बड़ी है, और ये सेज़वान चटनी ना देखने से ही लगता है बहुत तीखी है, और ये मेयोनेज, और ठंडी में खाने की बहुत ही अच्छा मज़े आने वाली है। तो अंदर अगर मैं स्टफिंग की बात करता हूँ तो काफ़ी सारे कैबेज, कैरेट्स, ओनियंस और ये मसाले से भरपूर है। पहले मैं ऐसे ही ट्राई करूँगा, फ्रेशली गर्मा गर्म अभी स्टीम होके आए मोमोज, फर्स्ट बैच चल रहा है तो इतना स्टीम निकला हुआ, जिंजरी टेस्ट काफ़ी ऊपर आ रहा है, जिंजरी जो जिंजर वाला टेस्ट है ना बहुत अच्छे से आ रहा है। स्टार्ट विथ सेजन, जितनी डर लग रहा है लेकिन ट्राई करते हैं। तो सेजन चटनी के साथ ट्राई करते हैं। सेजन चटनी ना थोड़ी डिफरेंट है, टैंगी टेस्ट है ना, टोमेटो वाला बहुत अच्छे से आ रहा है, नॉट टिपिकल लाइक चाइनीज़ वाले जो सेजवान चटनी खाते हैं ना वैसा टेस्ट नहीं है। सेजवान चटनी इनकी खुद की रेसिपी लग रही है क्योंकि डिफरेंट टेस्ट है, बहुत स्पाइसी है, वो जो टमाटर का टैंगीनेस है ना बहुत ही अच्छा है, वो ज़्यादा तीखा लगता है, तो मैंने इसके साथ ट्राई कर सकते हो। मैंने इसकी स्वीटनेस थोड़ी सी स्पाइस कम कर देती, लेकिन वाकई बहुत ही अच्छा मोमोज है, साइज़ वाकई अच्छी है, स्टफिंग बहुत ही अच्छे से भर के रखा है। तो बने रहे ऐसे अगले जर्नी में, तब तक के लिए खुश रहो, शुक्रिया।